आप सभी ने मेरे लिए जो भी प्रार्थनाएं की, मुझे जितना स्नेह और प्रेम दिया, उसके लिए मैं समस्त बल्लभगढ़ के वासियों का हृदय से नमन करता हूं। और साथ ही ये वचन भी देता हूं कि अंतिम श्वास तक बल्लभगढ़ के प्रति अपने हर कर्तव्यों का निर्वाह करूं। डॉक्टर ध्रुव जी जय। महाराज बोला इस अवसर को बल्लभगढ़ के बल्लभगढ़ियों के हृदय में सदा के लिए सुंदर स्मृति बना देने के लिए मनसा के साथ हम अगले 7 दिवस तक राज्य में उत्सव घोषित करते हैं और घर में अनाज और मिष्ठान के भंडार किए जाएंगे और हर एक मंत्र में 7 दिवस तक अक्षत दिया जलता रहेगा। यहाँ पे महाराज ने बोला चकित जी के इस उपकार को चुकाना चुका पड़ा तो असंभव है, परंतु हम पूरे राज्य की ओर से उन्हें कुछ भेंट करना चाहते हैं। आए और महाराज ने बोला अर्जी किशन महोदय आपसे अनुरोध है कि धर्म कांटे के एक पात पे आप विराजमान हो। महाराज जी मुझे अपना वजन पता है, मैं क्या करूंगा इसका, जो कि आवश्यकता है चिकित्सक जी। हमारी ओर से छोटा सा उपहार है आपके लिए और जितना भर के दोनों खाली जब तक सेन ना हो जाएंगे वो सारी संपत्ति आपकी हो जाएगी। और सोने लेके आ रहे हैं मैं पेशी से सिर्फ चिकित्सक हूँ, ये मेरा कर्म है जो मैंने किया, युवराज जी का इलाज करना मेरा काम बस, और मुझे अपने काम के लिए सोना पूरा नहीं चाहिए। महाराज ने कहा आप ऐसे पहले व्यक्ति से मिल रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि ये सब आप रख लीजिए और आप जो चाहे हमसे मांग सकते हैं, आपको इच्छा पूर्ति करने का पूरा अधिकार है। चंद्रवर्षी राजा को आपका वचन है, मांग लीजिए। हम उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आप क्या मांगना चाहते हैं। महाराज ने बोले संकोच मत कीजिए, मांगिए, आदर आज भी आपको दे सकते हैं।